जब से भाजपा मुख्यालय से यह खबर आई कि भाजपा की टिकटों की पहली लिस्ट 29 सितंबर को घोषित हो सकती है, तब से भाजपा टिकट के तलबगारों ने अपने अपने कैलेंडरों में 29 तारीख को गोलधारे में कैद कर लिया है। दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। टिकट के ऐसे तलबगार जिन्हें टिकट कटने का डर है या फिर नए उम्मीदवार, वे कई कई मरतबा टिकट कोर कमेटी के सदस्यों से मिल चुके हैं। इसके बावजूद जब उन्हें लगता है कि फलानी बात उन्हें कहने से चूक गए हैं, तब फिर से वो कोर कमेटी के सदस्यों की तलाश करने निकल पड़ते हैं। इस कोर कमेटी में सांसद संजय बाटिया वाहिद ऐसे सदस्य हैं जिनके पास बायोडाटा के सबसे ज्यादा ढेर लगे हुए हैं। यही नहीं, टिकट तलबगारों के बीच सबसे ज्यादा डिमांड में भी संजय भाटिया ही हैं। संजय दिल्ली जाए या रोहतक या फिर पानीपत स्थित आवास पर हर समय टिकट के तलबगार उन्हें मिलने के इंतजार में घंटों पड़े रहते हैं। संजय भाटिया की खोज व टिकट की भागदौड़ में सबसे अधिक हलकान वे विधायक हैं जिनके ऊपर 2017 में भाजपा को अस्थिर करने का आरोप है, जिसमें दक्षिण हरियाणा के एक विधायक का नाम इस असंतुष्ट ग्रुप के नेतृत्व देने एवं महिला विधायक पर मुख्यमंत्री की शान में अपशब्द तक प्रयोग करने का आरोप आज भी भुलाया नहीं जा सकता। सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ असंतोष का बीज दक्षिण हरियाणा से अंकुरित हुआ था और काल का मुलाना तक इसकी गूंज पहुंची थी। यही नहीं, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने में मध्य हरियाणा में पानीपत का नाम भी गुप्तगु में शामिल हुआ था। यह भी रोचक तथ्य है कि इस सारे असंतोष को कुचलने में भाजपा और संघ ने पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसमें कृष्ण बेदी का नाम प्रमुख रूप से आता है, जिन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पक्ष में बेहद आक्रामक पैरवी की थी। बहरहाल गेंद अब मनोहर लाल व उनकी कोर कमेटी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख अधिकारियों के पाले में है। विशेष उल्लेखनीय है कि संघ अधिकारी हर हाल में उन विधायकों की टिकट काटने के पक्षधर हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपदस्त करने का दुस्साहस अंजाम दिया था। हालांकि बाद में कुछ विधायक मुख्य धारा में भी आ गए थे, इसके बावजूद अस्थिर करने का प्रयास किया गया था और यह अपने आप में यूनिवर्सल सच है। जाहिर है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन षड्यंत्रकारियों की टिकट काटना चाहेगा, लेकिन सारा दारमदार अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर करेगा, जो कि अभी विदेश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।